नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी एक और नई वीडियो में। तो अभी दोस्तों मैं हूँ ऋषिकेश में। ये आप देख सकते हो, ये सामने राम झूला है, यहाँ पे राम झूला, ये ऋषिकेश है। तो ऋषिकेश में काफ़ी भीड़ भाड़ थी, ट्रैफिक भी ज़्यादा था, इसलिए मैं वहाँ पे रुका नहीं, तो उससे थोड़ा 1 किलोमीटर आगे जाके रुके हैं। ये आप नीचे देख सकते हो, ये पूरा राफ्टिंग का, ये गंगा नदी आ रही है। ये है ऋषिकेश केदारनाथ बद्रीनाथ रोड। आज से मैं केदारनाथ यात्रा पे हूँ, देखते हैं कल तक पहुंच जाएंगे केदारनाथ धाम जी के मंदिर में। तो चलिए दोस्तों आगे की जर्नी शुरू करते हैं। जय बाबा केदार, जय भोलेनाथ। तो अभी हम पहुंच चुके हैं साकड़ेदार से पहले और ब्यासी से आगे, और ये जो सामने आपको देखने को मिल रही है घाटी, इसको तोता घाटी के नाम से जाना जाता है। ये महाराजा नरेंद्र शाह के ज़माने में बनाई गई थी, 1931 से 1935 के बीच। इसको जो बनाया गया था वो तोता सिंह रांगड़ जो ठेकेदार थे, उन्होंने बनाया था। इस घाटी पर रोड बनाने के लिए तोता सिंह को काफ़ी नुकसान हुआ था, तभी से इस घाटी का नाम तोता घाटी कहा जाता है। अभी पहुंच चुके हैं दोस्तों देवप्रयाग में। जैसे कि आप देख सकते हो, यहीं से आपकी गंगा नदी का संगम होता है। यहाँ पे एक आ रही भागीरथी, एक आ रही अलकनंदा, यहाँ से लेके आपका ये पूरा गंगा नदी कहलाती है। और यहाँ से दो रोड टर्न होता है, एक था आपका ये पौड़ी के लिए गया नीचे वाला, ये पौड़ी के लिए, और सामने बद्रीनाथ केदारनाथ रोड है ये वाला, यहाँ पे राम मंदिर, और यहाँ पे आपका ये है घंटाघर। ऋषिकेश ऊपर जो भी यात्री चारधाम के लिए निकलते हैं वो इस संगम में स्नान करने ज़रूर जाता है। ये है देवप्रयाग का मार्केट। यहाँ रोड पे कम मार्केट है, बल्कि अंदर की तरफ ज़्यादा मार्केट है, जो कि संगम की तरफ रोड जाती है, सारा मार्केट उधर ही है। यहाँ जब बसंत पंचमी का मेला लगता है तो काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, तो मेला भी उसी रोड पे लगता है, संगम वाली रोड पे। यहाँ से एक रोड जाता है आपका गजा खाड़ी होते हुए नई टीरी चंबा की तरफ, जो कि सामने बोर्ड आपको दिख रहा है, ये गजा खाड़ी के लिए जा रहा है। और जो राइट टर्न होता है ये जाता है आपका बद्रीनाथ केदारनाथ रोड श्रीनगर की तरफ। देवप्रयाग के ठीक ऊपर से भी आप संगम का लुक देख सकते हो, एक पूरी नीली नदी दिख रही है और एक मटमैली है। जो मटमैली है वो अलकनंदा है और नीली वाली भागीरथी है, इससे आगे जो आपका गंगा नदी कहलाती है, और ये सामने घंटाघर है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम श्रीनगर से 10 किलोमीटर आगे पहुंच चुके हैं। हमने अभी पीछे श्रीनगर के आसपास एक रेस्टोरेंट पे लंच भी कर लिया है, तो अभी हम थोड़ा धारी देवी से पास पहुंचने वाले हैं। ये देख सकते हैं आप नीचे धारी देवी थोड़ा थोड़ा दिखने लग गई है, तो रुक के आपको पूरा व्यू दिखाते हैं यहाँ से धारी देवी का। तो अभी हम पहुँच गए दोस्तों धारी देवी के पास, जो श्रीनगर से थोड़ा सा आगे है। ये देख सकते हैं आप धारी देवी का नज़ारा। ये धारी देवी मंदिर जो है आपका अलकनंदा के बीचों बीच में बना हुआ है। ये जो सामने आपको दिख रहा है ये है धारो गांव। धारो गांव के नाम से ही धारी देवी का नाम पड़ा हुआ है, ऐसा मानते हैं। धारी देवी चारों धामों की रक्षा करती है, बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री। और अभी 3-4 महीने पहले इसको मंदिर को माता रानी को अपने स्थान पे स्थापित किया गया था, उसमें आपने देखा होगा वीडियो जिसमें धारी देवी के आंसू दिखाई दिए थे। ऐसा मानते हैं कि ये धारी देवी दिन में 3 रूप बदलती है, सबसे पहले छोटी बच्ची का सुबह के टाइम, और दोपहर में जवान औरत का, और शाम के टाइम जो है माता का एक बुढ़िया के रूप में, जो मूर्ति का स्वरूप बदलता रहता है। तो दोस्तों धारी देवी से अब आगे की तरफ चलते हैं, हम बने रहे हैं दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों बाबा केदारनाथ की तरफ। जय बाबा केदार, जय भोलेनाथ। तो अभी हमने रुद्रप्रयाग क्रॉस कर लिया है, जो कि यहाँ का मेन मार्केट है। पीछे बहुत तेज़ की बारिश हो रही थी, जिससे कोई भी वीडियो कैप्चर नहीं कर पाए। तो अभी हमारा आधे से ज़्यादा रूट तय हो गया, अब थोड़ा सा रह गया है। गुप्त काशी क्रॉस करते करते हमें 6:30 बज गए, और गाड़ियों का लंबी कतार यहीं से देखने को मिल रही है, काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ, क्योंकि
क्योंकि सारी पब्लिक आगे ही जा रही है सोनप्रयाग की तरफ, तो हमको तो सोनप्रयाग से पहले ही रुकना पड़ेगा कहीं, क्योंकि आगे काफ़ी ज़्यादा पब्लिक पहुंच चुकी होगी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं सीतापुर। यहां से ऊपर आप देख सकते हो हिमालय की चोटियां दिख रही है, और ये है सामने सीतापुर। तो थोड़ा आगे चल के देखते हैं रहने की क्या व्यवस्था है, थोड़ी देर कमरा भी सर्च करना पड़ेगा उधर। तो दोस्तों यहाँ पहुँचते पहुँचते 7 बज गया, अभी हम रुके हैं सीतापुर में। ये देख सकते हो आप, रूम भी ले लिया है, और यहाँ से गौरीकुंड है 5 किलोमीटर। देखते हैं, कल सुबह 5 बजे निकलते हैं और पैदल यात्रा गौरीकुंड से बाबा केदारनाथ के पास। ये रूम के बाहर का व्यू आप देख सकते हो, अंधेरा हो गया, बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है। ये सीतापुर का रात का व्यू है। तो अभी की वीडियो में इतना ही, बाकी गौरीकुंड से आगे का अगला वीडियो आएगा जो कि मैं अलग से बनाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।